नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की, हमारा अतीत भाग 2 के नाम से जो आपकी बुक्स है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी तक आपके 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर हम लोगों ने देखा था दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। अब बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। किसके? मुगल साम्राज्य के बारे में याद रखना है। फिर से मैं वही बोलूंगा कि इसे एक कहानी की तरह सुनना है आपको, और इसमें कोई भी ऐसा मुझे शब्द नहीं लगता है कि जो आपको समझ में ना आए। एक दो बार आप लोग सुनिए अच्छे से, आराम से आपके जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हो जाएंगे आपके। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के पर्व मुगल शासकों के निवास स्थान यानी कि दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह है आपका लाल किला। मुगल आखिर कौन थे? जानते हैं हम लोग कि मुगल आखिर कौन थे। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक थे। माता की तरफ से क्या थे? मंगोल शासक। चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भाग पर राज करता था की उत्तराधिकारी थे आखिर मुगल, और पिता की ओर से भी ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक यानी कि तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर वंश होने पर गर्व को अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 दिल्ली में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र थे। 1702 से 1712 की मध्य तैमूर और उसकी दाहिनी ओर इसमें उसका पुत्र मीरन शाह है, जो पिता मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था। उसके बाद अबू सैद बाबर की दादा, तैमूर की बाई ओर सुलेमान मुल्तान मिर्जा बाबर की परदादा, उमर से बाबर के पिता, तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति, ये आपके सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां, और उनकी दाई ओर उसी क्रम में से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी वंशावली कपित्थम कपिदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। मुगल सैन्य अभियान देखते हैं। मुगल सैन्य अभियान पर बात करते हैं हम लोग। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। किसकी? बाबर की। जब उसने फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया
यानी कि फरगाना राज्य पर कब्जा किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। कितनी? 12 वर्ष। और इस समय 12 वर्ष में क्या होता है? मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ। ये आपका मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है? इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। या के कुछ मुगल सम्राट की घटनाएं दी गई हैं, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तालिका एक में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़ना है हमें। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अपना अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुगल और अहोम सिखों एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों का क्या अंतर है, उसे भी हम लोग देखेंगे। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोंडा बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हुआ था, उसे देखेंगे। युद्ध में प्रयोग होने वाली बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। याद रखना इस पॉइंट को। युद्ध में प्रयोग होने वाली जो बारूद की तकनीक थी, ये भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। अग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ था। प्रारंभिक 16वीं सदी में भारत द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोपों और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया, गोला बारूद का, ठीक है? ये आपके मुगल सम्राट हैं और प्रमुख अभियान है और उनकी घटनाएं। बाबर 1526 से 1530 तक रहा है। 1526 में इसने पानीपत के दौरान मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया था। 1527 में इसने खानवा या खानुआ में राणा सांगा, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। फिर आता है आपका हुमायूं 1530 से 1540, फिर 1555 से 56। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। सैफ खान ने हुमायूं को दो बार हराया, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, हुमायूं की। फिर आता है आपका अकबर 1555 से, सॉरी 1556 से 1605 तक रहता है। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को तीन अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली 1556 से 1570 के बीच अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। फिर आपका 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किया इसने। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए। 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से 1600
कीमत अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत की हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। अकबर ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ा गई। यही सलीम आगे चलकर आपका सम्राट जहांगीर बना। तो जो आपका सम्राट जहांगीर है, इसका बचपन का नाम सलीम था, ठीक है, याद रखिए। फिर आता है आपका जहांगीर, 1505 से 1605 से 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों को की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, जो असफल रहा। फिर आता है आपका शाहजहां, 1627 से 1658। दक्कन में शाहजहां की अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में वल्ख पर कब्जा करने के लिए कुछ बेगों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथों में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के साथ मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दादरा सिकोर समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। फिर आता है आपका औरंगजेब, 1658 से 1717 तक रहता है। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ़ज़ई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण उनकी आंतरिक राजनीति, उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप था। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गए। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1665 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकोंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरोध अभियान का प्रबंध किया, स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्षिण में मराठों के विरुद्ध विद्रोहों का सामना करना। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हुए, किसकी, औरंगजेब की, ठीक है। ये आपका अकबर का शासन आया 1605 में, ठीक है। पूरा इतने क्षेत्र पर आपका अकबर शासन करता था, कंधार, काबुल से लेकर श्रीनगर से लेकर कश्मीर से, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बंगाल, उड़ीसा, गोड़वाना, ठीक है। बात करते हैं उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं देखते हैं।
मुगल ज्येष्ठाकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में भी सहदा याद कि मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। राजपूत के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कछवाहा की राजधानी थी, वह अंबर वर्तमान में जयपुर की राजपूत शासक की पुत्री थी। जहांगीर की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। बात करते हैं मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, जबकि राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण स्वीकार करने का। ठीक, अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त की, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूम में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने की भी सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। मनसबदार और जागीरदार कौन होते थे उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते। जैसे जैसे साम्राज्य विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब एक छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। बात करते हैं जात की श्रेणियां। 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में भी पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन एकताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थी। अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे, ना ही उन्हें पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदारों के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था।
इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासन काल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। चित्तफायर अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान। ए देख रहा है शाहजहां की राजकाल ए नीचे कि एक चित्त के विरोध जहां जहांगीर के समय भ्रष्टाचार को दिखाया गया। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए। देखिए बात करते हैं जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो मुगल एक शब्द जागीर जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी कि 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार कीमतों कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। एक इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल का नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को हम लोग जब्त कहा जाता है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ मुगल प्रशासन के अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी-कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण और तीसरी जिल्द है आईने अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन घराने सेना राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम विविध प्रकार की चीजों फसलों पैदावार कीमतों मजदूरी राजस्व का सांख्यिकीय विवरण है। अबुल फजल से अकबर नामा लेते हुए अकबर चित्त बात करते हैं अकबर की नीतियां और नजदीक से एक नजर। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेष कर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक को सूबेदार कहते थे जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाते। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अवसरों का सहयोग प्राप्त था जैसे कि बख्शी सैनिक वेतनदारी सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री फौजदार सेनानायक कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी था। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही है। उसको समय समय पर सहयोग देती रही है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए।
जिसमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, दूसरी ओर यह बात रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मुहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मुहर के अनुसार शाह जहांगीर प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी प्रभावशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग का सर्वोत्तम महिला बने। जहांगीर साहब का वाक्य था। क्या बात है, नूरजहां का प्रमाण, महिलाएं शुरू से ही तगड़ी रही हैं, ताकतवर रही हैं, बस समाज में दिखाया गया उन्हें कमजोर, वरना देखिए कितनी महिलाएं ताकतवर हैं। मतांधता ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्व कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तो उसने उलेमा ब्राह्मणों जेसुइट पदारियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई थी। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को 16 एकुल सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इनका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने 16 एकुल के बीच इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों का संपन्न कराया इस उद्देश्य से, क्योंकि उन्होंने फतेहपुर सिकरी में मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रजमनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चिंतांकन किया गया। 16 एकुल अकबर की 16 एकुल नीति। अकबर की 16 एकुल नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ आज सहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे, ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वजनिक शांति 16 एकुल के सिद्धांत पर पालन किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की स्थिति क्या रही है? उसे भी हम लोग जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री से प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखते देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानता साफ दिखाई पड़ती है। शाहजहां के शासनकाल के तीसरे
20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मंत्रवक्ता जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8,000 में से 445 सीटें, कुल मंत्रवक्ताओं की छोटी संख्या 5.6% थी। प्रतिशत कोई सम्राट के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता। मुगल सम्राट और उनके मंसबदार अपने राज्य का बहुत बड़ा वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों को किसानों शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त साधनों और औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच ही नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान शिल्पकारों के समूह व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे जिनके कारण 17वीं शताब्दी सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राटों की सत्ता पतन की ओर बढ़ती है वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्र में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक सम्राट के साम्राज्य के कई प्रांत अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। राजा और रानियां। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई राजा रानियां थीं। इनमें से ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1556 शामिल। उसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और ईरान भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चल के 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक स्वास्थ्य का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाई। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सभावित शासक शाह अब्बास, इनसे कई ज्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बैसिल एविच, जो इवान द टेरिबल नाम से कुविख्यात था। या फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो देख लेना, ठीक है, अभ्यास के लिए। तो इसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा देखी, मुगल सम्राट मनसब जागीरदार क्या होते हैं, जात क्या है, सवार क्या है, सुलही कुल क्या नीति है, ज्येष्ठ अधिकार क्या है, सहदायाद जब्त क्या है, जमींदार क्या है। इन्हीं शब्दों की हमें परिभाषा जानी है। इन्हीं शब्दों के हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो गए तो बस हमारी NCERT खत्म हो गई, ठीक है। और याद रखिए आपकी NCERT टेलीग्राम पर डाल दी गई थी और पहले की जो चार आपकी बुक्स हैं उन्हें भी हम लोगों ने डाल दिया टेलीग्राम पर, ठीक है।
आगे 5वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे शासक और इमारतें, शासक और इमारतें देखेंगे।